शारदा वाल्मीकितन माध्यमिक अलाय कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत आज की ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ विद्यालय। तो चतुर्थ पाठ में कुछ 3-4 सोपान हमने पहले पढ़े हैं, अभी आज अगला सोपान है जिसमें दो छात्रों के मध्य और शिक्षक के मध्य बातचीत की गई है। तो जैसे युवाम, अब युवाम का मतलब है शब्दार्थ पहले समझ लेते हैं। शब्दार्थ तो युवाम का मतलब है तुम दोनों। ऐसे ही आवाम का मतलब है हम दोनों। या गायावे, हम दो। गाते हैं, क्या स्त्रीलिंग होता है तो गाती है हो जाता है। ऐसे ही रच्या है, हम दो बनाते हैं या बनाती हैं। ऐसे ही हम शोभनम का मतलब है अच्छा। ऐसे ही लिखा हुआ बहुशोभनम बहुत अच्छा, और इसको भी कह सकते हैं बहुत सुंदर भी कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ आचार्य शब्द आया है, ये शिक्षक के लिए संबोधन है। आचार्य शिक्षक संबोधन, तो इस प्रकार। और भी इसमें कुछ शब्दार्थ है जैसे अपि का अर्थ होता है भी। तो यहाँ शिक्षक और छात्रों के मध्य बातचीत की गई है। तो पहले हमने शब्दार्थ समझे, युवाम का मतलब तुम दोनों, आवाम का मतलब हो गए हम दोनों, गायावे यानी हम दो। ये गायावे शब्द या वाक्य दो भैयाओं के बीच बातचीत की है, इसलिए हम दो गाते हैं या गाती हैं। रच्यावे यानी बनाते हैं या बनाती हैं। शोभनम का मतलब होता है अच्छा, और बहुशोभनम का है बहुत अच्छा। आचार्य शब्द है शिक्षक संबोधन के लिए है, या गुरु संबोधन कह सकते हैं। और अपि यानी भी। तो ऐसे ही छात्रों युवाम किम कुरुते, तो यहाँ छात्रों को संबोधन किया है, ये छात्रों शब्द संबोधन के लिए, तो यहाँ होगा हे छात्रों युवाम किम कुरुते, तुम दोनों क्या करते हो। तो छात्र वापस उत्तर देता आचार्य आवाम सलोकम गायावे। तो आचार्य शब्द है हे शिक्षक, या हम कह सकते हैं हे गुरु, हम दोनों सलोक गाते हैं। तो शिक्षक वापस कहता है शोभनम यानी अच्छा। किम युवाम सलोकम ने लिखता है, क्या तुम दोनों सलोक
नहीं लिखते हो। अच्छा, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो? तो छात्र कहते हैं आवाम लिखावे, पठावे, गायावे, चित्राणी अभी रचियावे। तो हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, चित्राणी अपि रचयावे, चित्र भी बनाते हैं। तो छात्र वापस कहता है आवाम लिखा हुआ है, यानी हम दोनों लिखते हैं, पठावे पढ़ते हैं, गायावे गाते हैं, चित्राणी अपि रचयावे चित्र भी बनाते हैं। तो यानी लिखने का भी काम हो रहा है, पढ़ने का भी हो रहा है, गाने का भी काम हो रहा है और चित्र भी बनाने का काम हो रहा है। तो इस प्रकार शिक्षक वापस कहता है बहुशोभनम, यानी बहुत बहुत अच्छा। तो इस प्रकार छात्र और शिक्षकों के मध्य कक्षा में बातचीत की गई है, विद्यालय जो पाठ है उसमें। तो ये पैराग्राफ जो पहले शेष रहा था ये अभी आपको पढ़ाया गया, समझाया गया। जैसे युवाम किम कुरुते, यानी हे छात्रों तुम दोनों क्या करते हो? तो आचार्य कहता है, या छात्र कहता है आचार्य आवाम श्लोकम गया मैं, हे शिक्षक हम दोनों श्लोक गाते हैं। तो शिक्षक वापस कहता है शोभनम, अच्छा किम युवाम श्लोकम नहीं लिखते है, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो? तो छात्र कहता आवाम लिखावे, पठावे, गायावे, चित्राणी अपि रचयावे, यानी हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, चित्र भी बनाते हैं। तो शिक्षक वापस कहता है बहु शोभनम, बहुत अच्छा। इसी प्रकार आगे जो प्रश्न दिया गया है हम इस प्रश्न को भी समझ सकते हैं। जैसे निर्देश अनुसार हम परिवर्तनम कुरुते, यानी जिस प्रकार का हमको निर्देश दिया जाए उसी अनुसार इस वाक्य को परिवर्तन करना है, बदलना है। जैसे अहम और पठामी वाक्य लिखा हुआ है, अब इस वाक्य को बहुवचन में बदलना है। तो अहम का बहुवचन क्या होता है और पठामी का बहुवचन, तो इस वाक्य को बहुवचन में हम बदल करके और लिखेंगे। जैसे अहम पठामी, तो अहम का बहु द्विवचन होता है एम आवाम हो, और बहुवचन में आएगा वयम, वयम। पठामी का बहुवचन होगा पठामे। तो ये अहम पठामी, अब इस वाक्य को बहुवचन में निर्देश हमको मिला है कि बहुवचन में बदलना है, तो इसको हम बहुवचन में बदलते हैं। तो यहाँ वयम और पठामे हो गया। इसी प्रकार अहम नर्त्यामी, इसी को भी बहुवचन में बदलना है, तो वयम वयम नर्त्यामे। तो यहाँ भी ये वयम और नर्त्यामे बहुवचन में बदल दिया। इसी प्रकार वाक्य लिखा त्वम पठसि, तो इसको भी बहुवचन में बदलना है। ये एक वचन का वाक्य है और इसको हम बहुवचन में बदलेंगे। तो द्विवचन में जैसे युवाम आता है और बहुवचन में यूयम आएगा। यूयम अपटसी का हो जाएगा पठत है, तो यूयम ये पठत हो जाएगा वाक्य। युवाम क्रीडत है, अब एक वचन में बदलना है, तो युवाम ये द्विवचन का वाक्य है, अब इसको एक वचन में बदलेंगे, तो यहाँ त्वम आ जाएगा त्वम, और क्रीडत हैगा एक वचन बनाना है, तो यहाँ क्रीडसी आ जाएगा। तो ये वाक्य हो गया त्वम क्रीडसी। इसी प्रकार वाक्य लिखा गया है आवाम गच्छावे, तो आवाम गच्छावे ये भी वाक्य द्विवचन का है, अब हम इसको बहुवचन में बदलेंगे, तो एम आवाम और या आम को वयम शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वयम गच्छामे।
वयम और गच्छामि, तो ये इसका बहुवचन हो गया। ऐसे ही अस्माकं पुस्तकानि, ये अस्माकं और पुस्तकानि, ये एक वचन में बदलना है इसको। तो अस्माकं शब्द ये बहुवचन का है, ये पुस्तकानि भी बहुवचन का, तो एक वचन में अस्माकं की जगह हम लिखेंगे मम। एक वचन में मम आता है, द्विवचन में आवयो आता है और बहुवचन में अस्माकं आता है। तो मम और पुस्तकानि का मतलब यहाँ हो जाएगा पुस्तकम्। तो ये वाक्य हो गया मम पुस्तकम्। ऐसे ही लिखा तो गृहम, अब इसको द्विवचन में बदलना है, तो तव का द्विवचन युवियो, युवियो और गृह, तो यहाँ युवियो गृह हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस वाक्यों को आगे बदला गया, जैसे निर्देश हमको मिला है उस निर्देश के अनुसार हमको इस वाक्यों को बदला गया है। इस प्रकार हम घर पर और भी इस प्रकार के वाक्य बना करके अभ्यास कर सकते हैं आज की ऑनलाइन कक्षा में। भैया बहनों को धन्यवाद।